मध्य प्रदेश के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु आज आजीविका मिशन कार्यालय खनियादाना में आयोजित किया गया। इस शिविर में 100 उम्मीदवारों ने पंजीयन कराया, जिसमें मापदंड के बाद GDX ग्रुप के भर्ती अधिकारी राजेंद्र सरगरा ने 17 युवाओं का चयन किया। ये कैंप आजीविका मिशन के DM डॉक्टर अरविंद भार्गव, विकासखंड प्रबंधक जितेंद्र कुमार पटेल, सहायक विकासखंड प्रबंधक कनिष्क पंसारी एवं समस्त आजीविका मिशन स्टाफ के सहयोग से सम्पन्न हुआ। चयनित को GTX ट्रेनिंग सेंटर NIMT कैंपस परिचोक नोएडा में 15 दिन के आवासीय प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर, पीतमपुर, भोपाल, देवास, अनूपपुर में 16,000 से 20,000 तक के मासिक वेतन के साथ साथ 58 वर्ष तक स्थायी नौकरी दी जाएगी। साथ ही PF पेंशन जीवन बीमा राज्य चिकित्सा बीमा योजना के अंतर्गत 2,50,000 तक मेडिकल की सुविधा, सालाना वेतन में वृद्धि, प्रमोशन, आवास एवं मेस आदि सुविधाएं दी जाएगी। जी नमस्कार सर, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और मैं GDX सिक्योरिटी की तरफ से हूँ। सर, इसमें ये जो आज रोजगार कैंप लगाया गया है शिवपुरी जिले के जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनके लिए, यह मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला पंचायत शिवपुरी की तरफ से रखा गया है। इसमें जो आप अपने क्षेत्र के जो भी बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार से जोड़ने के एक अवसर निकला है, जो इनके लिए सुनहरा अवसर है। इसमें हम ऐसे बच्चों को यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे जिनका हाइट 168 सेंटीमीटर, वजन कम से कम 52-55 किलो हो, 10वीं पास हो और शारीरिक फिट हो। उन्हीं युवाओं को हम यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद में इनका ट्रेनिंग होगा, 20 तारीख से ट्रेनिंग चालू होगा नोएडा में। इनको हम साथ में लेके जाएंगे, ऐसे जो बच्चे सिलेक्शन होंगे उनका 15 दिन का ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के अंदर इनको खाना पीना रहना, दो जोड़ी वर्दी, जूता, मोजा, कैप, बेल्ट, विशेल टाई, आई कार्ड, पूरा सामान दिया जाएगा। 15 दिन का NCC जैसा पूरा प्रशिक्षण होगा। सिक्योरिटी का पूरा कोर्स कराया जाएगा, जिसमें मेन गेट ड्यूटी, पार्किंग ड्यूटी, भीड़ नियंत्रण, भौतिक सुरक्षा, मेला ड्यूटी, बैंक, ATM, आग बम, हर चीज़ के बारे में इनको पूरा सिखाया जाएगा। 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद में फिर इनको वहाँ से सर्टिफिकेट देके मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में पोस्टिंग देंगे। 16,000 से 20,000 का वेतन रहेगा, 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी रहेगी। इसमें रहने और खाने की सुविधा दी जाएगी, उसमें मेस का और रहने का कुछ चार्ज कटेगा सैलरी से, बाकी इनको PF पेंशन, ग्रेजुटी, बीमा, मेडिकल सारी सुविधा दी जाएगी। अच्छा, आज यहाँ पे खनियादाना ब्लॉक में जो आज कैंप लगाया गया है, इसमें करीबन 100 लड़कों के आसपास बच्चे आए थे, जिसमें किसी का हाइट कम था, किसी का ज़्यादा था। इसमें अभी तक हमने 10 बच्चों का सिलेक्शन किया है, अभी भी हम बैठे हैं, कुछ लड़के और भी आएंगे, सिलेक्शन करेंगे। इसके अलावा मैं शिवपुरी के जो भी युवा हैं जो आर्मी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी करिए, कोचिंग करिए, उसके साथ में आप सिक्योरिटी का एक सुनहरा अवसर निकला है। इसमें जॉब करिए, 15-17 हज़ार सैलरी कमाइए आराम से, और पढ़ाई का जो भी खर्चा होता है वो अपने पैसों से करिए, घर से मांगने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। नौकरी आपको MP में ही देंगे, इंदौर, भोपाल, आसपास के जो क्षेत्र हैं, ग्वालियर वगैरह में, इन्हीं क्षेत्रों में देंगे। अच्छा, दूसरा, जो बच्चे आज वंचित रह गए हैं उनके लिए लास्ट में शिवपुरी में कैंप लगेगा हमारा 17 तारीख को। 17 तारीख को आके आवेदन कर सकते हैं जो भी वंचित बेरोजगार हैं, 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और 250 रुपये फार्म फीस के साथ में पहुंच के आवेदन कर सकते हैं। सर, आज यहाँ पर टोटल कितने पंजीयन हो गए? पंजीयन सर अभी तक करीबन 70-80 लड़कों का सिलेक्शन पंजीयन हो चुका है यहाँ पे।